मैमोगन एकेडमी में खुशामदीद और जनाब नर्स, आप मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे ये सारे फॉर्मेशन कैलीग्राफी के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आज हम जिस लेटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है क्यू। तो जैसे हमने ओ बनाया था सेम इसी तरह ओ बनाएंगे लेकिन अंदर नहीं निकालेंगे, इसको यही एंड करेंगे और इसके अंदर से शीर्षक बनाएंगे। अच्छा जी, स्मॉल क्यू कैसे बनेगा? जैसे आप जी बनाते हो ना बिल्कुल सेम उसी तरह लेंगे, लेकिन इसको जी को हम इस साइड लेके जाते हैं, क्यू को हम इस तरफ लेके जाएंगे और ऐसे यहाँ से थोड़ा सा मोटा सा बन गया, इसको हमें सही करना है। ठीक है, अब मैं एक बार मोर टाइम बना लूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये बन गया क्यों। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कॉपी में ताकि बिगनर्स को अच्छे से समझ आ जाए कि कॉपी में कैसे लिखा जाता है। आइए चलिए देखते हैं। जनाब बिगनर्स, आज हम इस कॉपी जो आज लेटर सीख रहे हैं वो है क्यों। बहुत आसान है, हम कॉपी पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। तो जैसे आपने ओ बनाया था ना, थ्री लाइन में बिल्कुल ओ लेंगे और फिर थ्री में से यूँ लेके ऐसे शोशा बनाएंगे। ये बन गया क्यू। और इसका स्मॉल वाला जैसे ओ बनाया था तो इस तरह जी की तरह लेके यूँ लेके और फिर इसको यू लेंगे बाहर निकाल देंगे। जी में हम अंदर ले जाते हैं, क्यू में बाहर की तरफ निकाल देते हैं शोशा। ठीक है, अब आप इससे नॉर्मल कॉपीज में देखें, नॉर्मल लाइन्स में लगे बिगनर्स को बहुत अच्छे से फॉलो हो और समझ में आए। देखें समझ आ रहे जी हो गया। अब आर क्या है, इसको एक दफा और देखें। अच्छा जी, अब मैं इसको वन मोर टाइम आपको बड़ा बनाती हूँ ताकि एक दफ़ा और आप अच्छे से, स्मॉल वाला यहाँ नहीं बन पाएगा तो मैं दोबारा से यहाँ पे एक दफ़ा बड़ा बना के आपको बता देती हूँ इसके लिए। अब जी में हम इस तरफ लेके जाते हैं ना, तो क्यू में हम इधर लेके चले जाएंगे और इस तरह, मतलब आपका ये जो आधा होगा इधर लाइन से, ये जो आपका गोला है ना, इस गोले तक लाके इसकी लाइन डंडी निकाल देंगे। ये देखिए, आपने यूँ किया और यहाँ पे यूँ लाए, इसको गोले तक, ये जो गोले हो की तरह यहाँ पे लाके इस तरह लाइन निकाल दी, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है क्यों। तो जनाब आपकी समझ में आ गया है कि आपने कैसे फॉलो करना है, आपने इसको कैसे इसकी फॉर्मेशन बनानी है। बहुत ही अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी मजीद जब हम राइटिंग करें तो बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ क्लियर हो, समझ में आती जाए। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।